गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन एट योर प्लेस। आई एम प्रवीण यादव फ्रॉम राज इंटरनेशनल स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री ऑफ क्लास 11। आवर चैप्टर नेम इज द थर्ड ऑर्डर। इन दिस टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड आंसर इन अवर प्रीवियस लेक्चर। Today we are going to take rest of the questions. Okay, so today we are going to take some another questions. How did the noble enjoy a privileged status? Write a short note on. Now, name the three order of the society. Name the three order of the society: priest, nobility, and the peasantry. Okay, now. Vassalage, we have already discussed about the vassalage. Vassalage is, it's a type of a system which included peasantry and the lord system. Lord system in क्या होता था? Peasant को अपनी land पे काम करने के अलावा lord की जो land थी उस पर भी काम करना होता था, ठीक है, और बदले में उस lord को उनको protections करने का वादा करना होता था. How were the trade and cities affected by the trade and cities affected by the plague? जो प्लेग जो था वो कैसे इफेक्टेड हुआ? जो प्लेग जो था वो इसकी वजह से बना, चूहों की वजह से होता है प्लेग. विद द एक्सप्लेन, जैसे जैसे टाउन एक्सप्लेन होते उनका एक्सप्लेन होते रहे, बढ़ते रहे, एक्सपेंडेड होते रहे, जिसकी वजह से फेवरेबल कंडीशंस बन जाती है चूहों को रहने के लिए, और फिर वहां पे वो वहाँ की गार्बेज सिस्टम की वजह से थोड़े से डेवलप हो जाते हैं. और साथ ही साथ में ही ट्रेड करते वक्त क्या होता है, वहां से जो शिप्स वगैरह थे वो शिप्स जब आते थे तो पोर्ट पे रुकते थे, तो इन शिप्स के जरिए भी जो रेट्स वगैरह हैं वो आ जाते थे. विद द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड इन द 13th and 14th century, शिप्स कैरीज गुड्स फ्रॉम द डिस्टेंट कंट्री हैज स्टार्टेड अराइविंग इन यूरोपियन पोर्ट. रेट्स कम अलोंग विद शिप्स कैरी अवे द इन्फेक्शन ऑफ द बुबोनिक प्लेग. अपने साथ में फिर ये प्लेग लेकर आए, बुबोनिक प्लेग, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था. एज ट्रेड सेंटर्स सिटीज वर द हार्डेस्ट हिट. ट्रेड सेंटर की वजह से जो सिटीज जो थी वो हार्डेस्ट इम्पैक्ट में आई. इन एनक्लोज कम्युनिटी लाइक मोनेस्ट्रीज एंड कॉन्वेंट्स दे वैन सिटी लाइफ में ज्यादा हुआ, क्योंकि एक बार किसी को प्लेग हो जाता था तो मोनेस्ट्रीज में और कॉन्वेंट्स वगैरह में तो वो सभी को इफेक्टेड या इन्फेक्टेड कर दिया करता था. द प्लेग टुक इट वर्स टोल अमोंग इन्फेंट द यंग एंड द एल्डर. सबसे ज्यादा जो प्लेग है वो नवजात जो बच्चे होते हैं, जो बर्थ हुए अभी लेस देन वन मंथ हुआ है, यंग जो होते थे उनको, और जो ओल्ड पर्सन होते थे इनको ज्यादा परेशान करता था. प्लेग ऑल्सो लेड टू द डी पॉपुलेशन विच रिजल्टेड इन मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर. डी पॉपुलेशन का मतलब होता है प्लेग की वजह से गांव के जो विलेज के विलेज जो है वो उसमें जो रहने वाले जो पीपल्स थे वो खत्म हो जाते थे, जिसकी वजह से लेबर की शॉर्टेज बढ़ गई थी, लेबर की शॉर्टेज ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से लेबर्स ने अपने जो रेंट है वो बढ़ा दिया था. अब नेक्स्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्यूड. इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज इट द मेन फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द मिडिवल पीरियड. फ्यूड जो होता था इसका मतलब होता था लैंड, ठीक है, लैंड गिवन ऑन द कंडीशन ऑफ द सर्विस अंडर द सिस्टम ऑफ द लैंड एंड इट एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू द फेडरल लॉर्ड्स. द फेडरल लॉर्ड्स एंड नॉट द किंग प्ले अ वाइटल रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. व्हाई डिड रिच पीपल डोनेट देयर मनी टू द चर्च. जो रिच पर्सन है वो क्यों डोनेट करते थे? जब भी बड़ा कोई चर्च वगैरह बनता था, मोनेस्ट्रीज वगैरह बनती थी, तो उसमें ये रिच पर्सन जो थे वो डोनेट करते थे. क्यों? वो ये दिखाने के लिए कि हम लोग इन चर्च के साथ में जुड़े हुए हैं, इस वजह से भी, और कईयों की इच्छा भी होती थी. द रिच मर्चेंट स्पेंड देयर मनी बाय मेकिंग डोनेशन टू द चर्च. लार्ज चर्च कॉल्ड कैथेड्रल. बड़े जो चर्च होते थे उनको कैथेड्रल कहते थे. वर बींग बिल्ट इन द फ्रांस. दीज बिलोंग टू मोनेस्ट्री बट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर कंस्ट्रक्शन विद देयर ओन. डिफरेंट टाइप के पीपल्स होते थे वो इस कंस्ट्रक्शन में काफी सारे
या तो पैसा दिया करते थे, कैश देते थे, या मटेरियल देते थे, या लेबर प्रोवाइड करवाते थे। जो कैथेड्रल है ये बड़े बड़े स्टोन से बनता था एंड टुक मैनी ईयर्स टू कंप्लीट, और इनको कंप्लीट होने में कई साल लग जाते थे। एज दे वर बींग बुल्ट, जैसे वो स्टार्ट होते थे, उस कैथेड्रल के आसपास भी बहुत सारी पॉपुलेशन है वो वहां पे रहना स्टार्ट हो जाती थी, और जब तक वो चर्च बन के तैयार होता था तो वो जो चर्च है वो एक पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में बन चुका होता था। हाउ डिड द चेंजिंग नेचर ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्ट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन यूरोप, कि जो पॉपुलेशन का जो नेचर था जैसे जैसे बदल रहा था तो इकोनॉमी और सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा था। लॉन्ग टर्म चेंज इन पॉपुलेशन लेवल अफेक्टेड द, काफी सारे चेंजेस किए पॉपुलेशन के नेचर में चेंज होने की वजह से, टाउन जो थे वो तेजी से बनने लगे। टाउन क्यों बनने लगे, क्योंकि वहां पे ट्रेड और कॉमर्स था, तेजी से एक्सपेंड होने लगा, एक्सटेंड होने लगा। सोसाइटी बिकम मोर एडवांस एंड सिविलाइज, सिविलाइज का मतलब है यहाँ पे पीपल जो थे एजुकेट होने लगे। दिस चेंज ब्रॉट अबाउट द न्यू चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रीच इट पीक, गुड क्वालिटी गुड्स वर प्रोड्यूस विच इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ी, पीपल्स का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, और गुड क्वालिटी के ग्रेन्स होने की वजह से पीपल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो बढ़ गई है। अच्छा, साथ ही साथ में ही जब ट्रेड बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा, तो अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा था तो ट्रेड के साथ साथ में ही बबोनिक प्लेग्स वगैरह जो है इनका भी इम्पैक्ट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो तेजी से डिक्लाइन हो रही थी, लेबर जो थे कम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो पीपल्स थे जो लेबर का काम करते थे उन्होंने अपने वेजेस बढ़ा दिए थे। और मोस्टली एग्रीकल्चर लेबर रोज इन इंग्लैंड बाय एज मच 250% इन द आफ्टर मंथ ऑफ ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब बहुत सारे पीपल्स जो थे इस प्लेग की वजह से मर गए थे, तो पीपल्स ने 250% जो है 250% जो अपने वेजेस जो थे इंक्रीज कर दिए थे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरह। एक है व्हाट वाज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, व्हाट वर द रीजन फॉर इट इमरजेंस। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट हुआ था, जो कैथोलिक जो चर्च थे वो अपने एक्चुअल पार्ट से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। जैसे उनका क्या काम था, पृष्ठ का जो काम होता था वो ये था कि सारा मोस्टली जो टाइम है वो मेडिटेशन में करें, लोगों को सर्व करें, सर्विस दें अपनी है पुअर के लिए, है फिजिकल चैलेंज पीपल के लिए, लेकिन जो ठीक है इसके बदले में उनको कुछ लैंड दी जाती थी ताकि उनका जो खुद का जो खर्चा वगैरह है वो निकल सके। इसके बदले में साथ के साथ में ही वो पीपल से टैक्स वगैरह भी लेते थे, लेकिन जब इनके पास जैसे 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 पैसा आने लगा ये अपने एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट होने लगे, ये बड़े बड़े पैलेसेस में रहने लगे जिनको कैथेड्रल बोला जाने लगा, और लग्जीरियस लाइफ में ये लोग रहते थे। ऑर्डनरी पीपल्स बड़ी मेहनत करते थे, वो भी लग्जरी लाइफ में नहीं रहते थे, और ये सारे दिन फ्री बैठ के लग्जरी लाइफ में रहते थे। तो इनकी इनमें चर्च में जो करप्शन वगैरह था वो फैलने लग गया। इसके बारे में जब लोगों को पता चला तो पीपल्स ने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किया, रेवोल्यूशंस किया, इसी को ही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस कहते हैं। और ये मोस्टली जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें मार्टिन लूथर का भी नेम था। द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज ए मूवमेंट लॉन्च बाय द मार्टिन लूथर अगेंस्ट द प्रिवेलिंग रॉन्ग प्रैक्टिस इन द रोमन चर्च। सपोर्टर ऑफ दिस मूवमेंट एबोलिश करप्ट प्रैक्टिस एंड ट्राइड टू एस्टेब्लिश एंड इम्प्रूव प्रैक्टिस। दे सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम द रोमन चर्च एंड सेट अप ए न्यू प्रोटेस्टेंट चर्च। उन्होंने दूसरे एक चर्च सिस्टम बना लिए थे। इन द मिडिवल एज द रोमन कैथोलिक चर्च इंजॉय एविडेंट पावर, सेवरल इवल्स हैव क्रैप्ट इनटू इट। द रेनेसा क्रिएटेड ए कॉमन सेंस एंड रियलिज्म। न्यू पीपल वर लॉसिंग देयर फेथ इन द चर्च, दे बिलोंग टू द क्रिटिसाइज वर्शिप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चर्च। वो इन सबका विरोध वगैरह करने लग गए थे, इसी को प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्ट करना तो समझ गए, प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन। कुछ वर्ड्स को समझने की कोशिश करो। द पॉप
द पोप इंजॉय एब्सोल्यूट पावर, द चर्च ऑफिशियल वर फ्री फ्रॉम द स्टेट लॉ, इनके ऊपर स्टेट लॉ लागू नहीं होता था, द पोप कुड इंटरफेयर विद द स्टेट फंक्शन, सो स्टेट के फंक्शन में भी ये इन्वॉल्व रहते थे, राजा के काम में दखल अंदाजी करते थे, जिसकी वजह से जो राजा थे, किंग्स वगैरह थे, वो भी इनके काम से परेशान थे और वो भी चाहते थे कि कोई ना कोई इनको बहाना मिले और वो इनके अगेंस्ट खड़े हों। द किंग पावर इंक्रीज विद द राइज ऑफ द नेशनल स्टेट, दे वॉन्टेड टू पुट अ चेक ऑन द पॉप इंटरनेशनल राइट, वो भी चाहते थे किसी प्रकार से इन पॉप के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सके, सो द किंग जो थे उन्होंने भी सपोर्ट किया रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। द क्लर्जी मैन वर इन्वॉल्व इन इमोरल प्रैक्टिस, सो पीपल फेथ इन द चर्च मिनिमाइज। अच्छा अब नेक्स्ट, एसेस द पोजिशन ऑफ द पॉप लिन इन द मिडाइवल यूरोप, तो पॉप क्या अभी अपन ने बात करी, उनके पास में एब्सोल्यूट पावर थी, वो राजा को ही कुछ नहीं समझते थे, राजा के कामों में भी इंटरफेयर करते थे। During the medieval period in Europe, the Pope enjoyed the position of importance. The Pope began to be regarded as the spiritual representative of the Jesus Christ का वो representative माना जाता था और उनके पास में बहुत ज्यादा power थी। In this capacity, he started the interfering into the internal affair of the Christian kings and their subject, वो उनके कामों में दखलंदाजी करते थे। The authority of the Pope becomes so effective that none among the Christian king dared challenge him. क्या औरों की तो छोड़ो राजा की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनको रोक सकें। अब अपन बात करते हैं जो फेडरल सिस्टम था, इनके पास में इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बात करना है। पॉलिटिकल ये न्यू सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट डेवलप, there was no central power and real power was exercised by the feudal lords, lord provided protection to the people, they also maintained peace and harmony in their region, इनको political rights क्या मिले थे, यही सर्वे सर्वा होते थे, absolute power होती थी, कोई central power नहीं थी इस time में, और ये लोगों को protection करते थे और शांति establish, peace और harmony जो है अपने region में बना के रखते थे। ठीक है, the feeling of the mutual understanding and cooperation was created among the people. Economic importance क्या थी, ये अब economic मैंने बताया था, political की बात करें तो ruling system की बात आएगी, economic की बात करें तो हमेशा source of income की बात आएगी, तो इन peoples के पास में source of income क्या था, ये people से mostly peasants से land revenue collect करते थे, कुछ शेयर अपने पास रखते थे और बाकी का जो शेयर है वो राजा को देते थे। द पीजेंट कल्टीवेट देयर ओन लैंड एज वेल एज द लैंड ऑफ लॉर्ड, यहाँ की जो पीजेंट वगैरह थे खुद के लैंड पे भी काम करते थे और इनकी लैंड पर भी काम करते थे। पीजेंट परफॉर्म लेबर सर्विस फॉर द लॉर्ड हु इन टर्न प्रोवाइडेड द मिलिट्री प्रोटेक्शन, जो फार्मर्स वगैरह हैं वो अपनी सेवा इनको देते थे और बदले में राजा इनको प्रोटेक्ट, सॉरी लॉर्ड इनको प्रोटेक्ट वगैरह करते थे। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मीट बाय द गिल्ड, गिल्ड की बात करी थी, ये जो आर्ट से रिलेटेड जो पर्सन होते थे, जो अपने काम में वर्क में स्किल्ड होते थे, इनके एसोसिएशन को गिल्ड्स बोलते थे, जो कि इनकी क्वालिटी पे कंट्रोल करते थे, इनका सुपरविजन करते थे। द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वॉज द गिल्ड, ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज वॉज ऑर्गेनाइज इन टू ए गिल्ड, एन एसोसिएशन विच कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस एंड इट्स सेल, दोनों को कंट्रोल करता था। द गिल्ड हॉल वॉज ए फीचर ऑफ द एवरी टाउन, गिल्ड हॉल जो होता था हर शहर के अंदर होता था टाउन में, और वहां पे एक सेरेमनी वगैरह होती थी, आपस में डिबेट डिस्कशन वगैरह करते थे, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह करते थे, और यहाँ पे जितने भी गिल्ड्स के जो हेड्स थे वो यहाँ पे इकट्ठे होते थे। जो गार्ड पैट्रोन द टाउन वॉल, द म्यूजिशियन वर कॉल्ड टू प्ले एट फीस्ट इन ए सिविक प्रोसेशन एंड इन कीपर्स लुक आफ्टर ट्रेवलर्स वगैरह। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द मिडाइवल मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्रीज का रोल क्या होता था, ये मोनेस्ट्री शुरू में बहुत कम होती थी लेकिन धीरे धीरे इनमें इनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ने लगे, पहले 10-20% होते थे, बाद में हंड्रेड्स ऑफ पर्सन होने लग गए। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती थी, ये स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स वगैरह बनाते थे। ठीक है, पीपल्स के प्रति ये सर्व रहते थे। ठीक है बेटा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछना। ओके बाय, सी यू सून।